दोस्तों, ये राजनीति है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। कब किसकी किस्मत का दरवाजा खुल जाए, कब किसकी किस्मत का दरवाजा बंद हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कल तक जो कहा जा रहा था कि वसुंधरा का खेल खत्म हो गया है, अब कहा जा रहा है कि नई संभावनाएं जग रही हैं। क्या सचमुच ऐसा है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं, दो बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे का दिल्ली जाना होता है, जेपी नड्डा से मिलना होता है, 1.5 घंटे की मुलाकात होती है। इससे पहले ट्वीट होता है जिसमें प्रधानमंत्री का संसदीय दल की बैठक में जाना और वहां पर पूरा श्रेय वसुंधरा एक बार और देती है। ये तीसरी बार लगातार श्रेय दिया है, एक बार घर के बाहर पोस्टर लगाकर, एक बार जब जीत के बाद उन्होंने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब। तो पार्टी लाइन वो फॉलो करेंगी, पार्टी के दिशा निर्देशों पर अमल करेंगी, इस तरह की बातें जेपी नड्डा से बताई जाती हैं। फिर एक होमवर्क होता है, बाकायदा संभाग वाइज लोकसभा सीट वाइज होमवर्क होता है राजस्थान की 25 सीटों का, कि वसुंधरा को अगर कमान दी जाए तो किन सीटों पर कैसे वो बीजेपी को बड़ी सफलता दिलाने में मददगार साबित हो सकती हैं। तो क्या इससे पसीजेगा दिल? सबसे बड़ी बात है कि नया नेतृत्व पार्टी उभारना चाहती है, लेकिन नया नेतृत्व उभार अचानक नहीं उभरता। पुराने नेतृत्व के अंडर में नए नेतृत्व को थोड़ा समय इंटर्नशिप करनी पड़ती है, थोड़ा सी बैठकर क्लासेस लेनी पड़ती है, थोड़ा सीखना पड़ता है, पहली बात। दूसरा, अगर आपका सियासी दुश्मन शरणागत हो जाए तो उसको माफ कर देना ज्यादा मुनाफे का सौदा है बनिस्पत एक नए चेहरे पर दाव लगाकर एक राजनीतिक जोखिम उठाने की कोशिश करना। तीसरा, देखिए मैं अखबारों के हिसाब से चल रहा हूं। अब बात आ रही है कि साहब चेहरा वो हो जो डबल इंजन फॉर्मूले में फिट बैठे, जो पार्टी को भी महत्व दे, परफॉर्मेंस को भी महत्व दे। तो इस हिसाब से, और पार्टी को 2 महीने मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा आचार संहिता लागू होने से पहले, पार्टी की परफॉर्मेंस को और ज्यादा सुधारे, अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उनके मुकाबले पार्टी ने जो संकल्प पत्र में कहा है उनको अमल करना, उस पर काम करना या काम कर रहे हैं ये भाव देना, ये नैरेटिव देना की कोशिश करें। इस काम में कौन स्मार्ट है, इस मापदंड पर कौन खरा उतर सकता है? एक ही नेता है वसुंधरा राजे। कोई भी नया शख्स आएगा तो उसको प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को समझने में, मंत्रिमंडल का चयन करने में, मंत्रियों का स्वभाव जानने में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आसानी से लग जाएंगे। लेकिन वसुंधरा तो ये जो हाथ की हथेलियां होती हैं उसकी तरह राजस्थान के प्रशासन को जानती हैं और सभी नेताओं को और उनके संभावित मंत्रियों को वो अच्छी तरह से जानती है कि किससे कैसे काम लेना है। तो क्या इस नाते वसुंधरा का नंबर आ सकता है? जो ये 4-5 चीजें बताई हैं कि पार्टी का मानना है जनता ने 3 राज्यों में जिस तरह से स्पष्ट बहुमत दिया है उसमें पार्टी पर काम करने का बहुत दबाव है, जनता की अपेक्षाएं तेजी से पूरी होंगी तभी 3 राज्यों में 2024 की सभी लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट पूरा हो सकेगा, राज्यों में ऐसे नेता चाहिए जो पार्टी को प्रसिद्धि दिलाने के लिए कार्य करने वाला हो ना कि खुद को, खास तौर से राजस्थान में ऐसे चेहरे को कमान देने की तैयारी है जो पार्टी और परफॉर्मेंस दोनों के मोर्चे पर खुद को साबित कर सके। अगर ये बात सच है तो इस मापदंड पे कौन एक नेता खरा उतरता है जिसने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, जो 2 बार ट्राइड एंड टेस्टेड है? स्वाभाविक है, मैं कोई वसुंधरा राजे की शान में कसीदे नहीं गढ़ रहा, मैं एक पॉलिटिकल सिनेरियो समझने की और आपको समझाने की या आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बताइए, जो राजस्थान की जनता है वो अच्छी तरह से जानती है। और फिर वसुंधरा आप अड़कर कर भी क्या लेगी 71 साल की उम्र में? आला कमान से वो जीत नहीं सकती, आला कमान पर को वो तेवर दिखाकर कुछ हासिल नहीं कर सकती। उल्टा पिछले 2-3 दिन से हुआ, वसुंधरा खेमे का कहना है वो बाड़ेबंदी वाली बातें सब विरोधी खेमे ने पहुंचाई आला कमान तक, विरोधी खेमा बदनाम करना चाह रहा है वसुंधरा राजे को, ये बातें कही जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक तरफा खबरें
पहुंचाई गई आलाकमान तक, और बढ़ा चढ़ाकर चीजें बताई गई कि वसुंधरा जैसे विद्रोह कर रही है, बाड़ाबंदी कर रही है। अरे भाई बाड़ाबंदी कैसे होगी, 115 विधायक जीत कर आए हैं और वसुंधरा के साथ अधिकतम लोग कह रहे हैं कि 30 35 34 हो सकते हैं, तो 34 कोई बाल बांका नहीं कर सकते इतनी स्ट्रांग आलाकमान का, पहली बात। और वसुंधरा को कितनी बार अपनी नए सिरे से वफादारी साबित करनी होगी, ट्वीट के जरिए, पोस्टर के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मुलाकात के जरिए, और कितना साबित करना होगा। और बदले में मोदी जी को बहुत कुछ हासिल हो सकता है, जो वो डबल इंजन वाला चाहते हैं, परफॉर्मेंस चाहते हैं, तेजी से काम करना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव की 25 की 25 सीटें चाहते हैं, ये सब अगर आपको बदले में हासिल होता है तो कोई हर्ज नहीं है वसुंधरा को भले 2024 के लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए, जैसा कि संघ शिवराज सिंह चौहान के लिए मध्य प्रदेश में मीडिया की खबरों के अनुसार वकालत कर रहा है कि उन्हें कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए। बाद में क्या है देखा जाएगा, बाद में किसने देखा क्या होता है, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, लेकिन ये क्या एक पक्ष में जा सकती हैं चीजें। कुछ लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा ने गलतफहमी दूर की है और इसके बाद आलाकमान उनके नाम को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बीच आलाकमान को भी एहसास हो गया है कि ठीक ठाक संख्या में वसुंधरा के समर्थन में विधायक हैं, ये कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, पार्टी लाइन को फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसे में आलाकमान चाहता है कि जो भी नया मुख्यमंत्री हो वो वसुंधरा को बिना नाराज किए उनकी रजामंदी से, उनकी सहमति से बनाया जाए, और अगर ऐसा संभव नहीं है या फिर जो मैंने दूसरे तर्क दिए वो अगर गले उतरते हैं आलाकमान के, तो क्या वसुंधरा को हम तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते देख सकते हैं। फलौदी का सट्टा बाजार तो यही इशारे कर रहा है कि वसुंधरा मुख्यमंत्री बन सकती हैं, उनके पक्ष में भाव खुला है, यानी कि उनके मुख्यमंत्री बनने पर रेट कम है और जिसके मुख्यमंत्री बनने पर रेट कम होता है उसके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब जातिगत वो साधने हैं और नई पीढ़ी को मौका देना है युवा नेतृत्व को, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें तो सबसे आसान चीज है, सबसे सरल उपाय यही है, मुख्यमंत्री वसुंधरा बने, उनके अंडर में दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जो आगे जाकर कमान संभाले और वो सीखें, इंटर्नशिप करें वसुंधरा के अंडर में। कितना शानदार चीज है कि आपको जिन लोगों को नेतृत्व को आगे बढ़ाना है वो सीखता भी जाएगा, समझता भी जाएगा, और उसके बाद आपको लगे कि ये पीढ़ी तैयार हो गई है, उसके बाद आप वसुंधरा को थैंक यू कर सकते हैं और वसुंधरा भी खुशी खुशी मान जाएंगी। मान लीजिए 2.5 साल या 3 साल बाद ऐसा होता है, 3 साल बाद वसुंधरा की उम्र शायद 74 साल होगी, तो उनको भी पता है कि बीजेपी में ये विदाई वेला का काल होता है 74 पार करने के साथ साथ, तो एक क्या समाधान का ये रास्ता निकल सकता है, क्या आलाकमान इस पर सोच रहा है, क्या राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जिनका जयपुर आना होगा, क्या उनको ये संदेश उनके माध्यम से पहुंचाया जाएगा, या फिर विधायकों की रायशुमारी कराई जाएगी और रायशुमारी के बाद सेंस ऑफ द हाउस जैसे लिया जाता है, उसके बाद आलाकमान कोई फैसला करेगा। कुछ लोग यहाँ सवाल उठा रहे हैं, साहब राजनाथ सिंह और वसुंधरा की तो उस समय बनती नहीं थी, तो पुराने जख्म हरे हो गए होंगे जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और वसुंधरा ने कैसे त्यागपत्र इस्तीफे को लेकर 6 महीने तक उनको तरसाया था और मिलने के फोन तक नहीं उठाती थी, कुछ इस तरह की बातें नए सिरे से निकलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन जो बीत गया सो बीत गया, अब तो वक्त के साथ समझदार भी तो हुई है वसुंधरा, उनको हकीकत भी तो समझ में आ रही है, उनको ये भी तो पता है कि वो अपनी राजनीतिक जीवन का आखिरी एक तरह से दाव खेल रही हैं, आखिरी एक तरह से पारी खेल रही हैं, और वो पारी से साथ सम्मानजनक ढंग से वो विदा होने चाहती हैं और अपने बेटे को सम्मानजनक ढंग से प्रतिष्ठापित करना चाहती हैं राजस्थान की राजनीति में, तो क्या ये एक रास्ता निकल सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।